चिकन चंगेजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1.5 किलो चिकन। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम चिकन में नमक डालेंगे। हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है। साथ में डालेंगे लाल मिर्च 1.5 चम्मच। 2 चम्मच डालेंगे फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पर हमने 2 नींबू लिए हैं, उसका रस डाल देंगे। अब हम सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को जब हम लाए थे, हमने तो उसमें कट लगवा लिए थे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है जो हम मैरिनेट कर रहे हैं, इससे इसके अंदर मसाला जाएगा और जब चिकन चंगेजी बनेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सारे चिकन को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे चिकन में अच्छे से मसाला लग गया है। अब हम चिकन को 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 2.5 चम्मच ऑयल ले लिया है और उसको गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 4 लौंग, 2 हरी इलायची। हरी इलायची को हमने खोल दिया बीच में से। हरी इलायची और लौंग में से थोड़ी सी खुशबू आने देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है मीडियम साइज़ के 5-6 प्याज, 5-7 हरी मिर्च। हम इन सबको तेल में डाल देंगे। हिला लेंगे प्याज को। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज को हमने 4-5 मिनट तक भून लिया है। यहाँ पर हमने 4 टमाटर लिए हैं, टमाटर को मोटा मोटा काट लिया है। टमाटर को भी हम प्याज के संग डाल देंगे। सारे टमाटर प्याज के संग मेल्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सारे मसाले को ठंडा कर लेंगे। 10-15 मिनट हो गए हैं और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए हमने दूसरे पैन में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची और 2 लौंग। इलायची और लौंग से चंगेजी चिकन में बहुत ही सौंधापन आता है, इसलिए मैंने मसाले में भी इलायची लौंग डाला है और फ्राई करने में भी लौंग और इलायची डाली है। लौंग और इलायची में से खुशबू आने लगी है और लौंग कितनी अच्छे से मोटी मोटी हो गई हैं, फूल गई हैं। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन डालने के लिए गैस को मीडियम रखेंगे। अब हम एक एक पीस चिकन का रख देंगे। गैस को हमने मीडियम कर दिया है। यहाँ पर हमने 2 चुटकी ऑरेंज कलर लिया है, उसमें हमने पानी डाल दिया है। अब हम इस पानी को चिकन के ऊपर डालेंगे, इससे चिकन में बहुत अच्छा कलर आएगा। और मिक्स कर लेंगे पहले हम ऊपर नीचे चलाते हुए। कलर डालकर हमने सारे चिकन को पलट पलट कर दिया है। कलर डालते ही चिकन में कितनी अच्छी रंगत आ गई है और कितने सुंदर लग रहे हैं सारे पीस। गैस को करेंगे हम मीडियम। अब हम चिकन को ढककर पकाएंगे क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा, और 10 मिनट के बीच में हम चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम सारे पीसेस को पलट देंगे। हमने सारे पीसेस को पलट दिया है। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ढकने से जो चिकन होगा वो अच्छे से गल भी जाएगा। चिकन को ढके हुए 5-10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। चिकन का सारा पानी खत्म हो गया है और अब हम पीसेस को सबको पलट देंगे। पीसेस में कितनी अच्छी रंगत आ गई है। अब हम सारे पीसेस को क्रिस्पी करेंगे बिना ढके हुए। सारे चिकन को हमने खुला कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लिया है। देखिए सारे चिकन पर अच्छे से कोटिंग हो गई है क्रिस्पी होने की, और हमारे सारे पीस भी गल चुके हैं। देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। टमाटर प्याज हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। प्याज को थोड़ा हम साइड में कर लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल सारा कढ़ाई में चला जाएगा, और हम बिना ऑयल के जार में डालकर पीस लेंगे। हमने सारे प्याज टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे।
लहसुन अदरक हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर हमने लिया 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/4 चम्मच गरम मसाला। हम सारे मसाले लहसुन वाले पेस्ट में डाल देंगे। अच्छे से भूनेंगे मसाले को। फ्लेम को हम लो रखेंगे। मसाले को हमने 1-2 मिनट तक भून लिया है। यहाँ पर हमने 1 कप दही ली है, थोड़ी दही डालेंगे हम पहले। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमें स्लो रखना है, तेज नहीं रखना बिल्कुल भी। थोड़ा सा दही और डालेंगे। दही के संग मसाले को भूनेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है, पहले 1/2 कप डालेंगे। अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। हमने सारे मसाले को 1-2 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर प्याज और टमाटर वाली ग्रेवी जो हमने तैयार करी थी वो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बचे हुए दूध के अंदर हमने उतना ही पानी डाल दिया है, सारा डाल देंगे। और गैस को हम मीडियम कर देंगे। अब हमने सारी ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे। दस मिनट हो गए हैं, हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी, 2 चम्मच हम फ्रेश मलाई डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई डाल के हमें ग्रेवी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम भुना हुआ चिकन डालेंगे। अब हमें ग्रेवी के साथ चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पहले ही अच्छे से गला हुआ है। अब ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे। दो हरी मिर्चें डाल देंगे। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉइल का पीस लिया, उसे थोड़ी सी कटोरी बना ली है, उसके ऊपर हम कोयला रख देंगे। और थोड़ा सा बटर लेकर डाल देंगे फटाफट, क्योंकि बटर में मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बहुत ही सौंधापन आएगा हमारे तंदूरी चिकन में। और 10 मिनट तक हम इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितना लजीज चिकन चंगेजी बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसमें से फॉइल हटा देंगे और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल स्मोकी जैसे।